हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल मोटर सोल में। सो आज मैं आ गया हूं एक नई गाड़ी के साथ जो कि है टोयोटा की रूमियन और ये एक ऑटोमेटिक वर्जन है वी वेरिएंट का। सो आज हम इस गाड़ी को इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं, वॉक अराउंड करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं क्यों ये वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो सकती है, बिकॉज ये एक 7 सीटर कार है विथ लॉट ऑफ फीचर्स एंड लग्जरी। सो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। फॉर मूविंग फॉरवर्ड, स्पेशल थैंक्स टू सोनक टोयोटा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टोयोटा का कोई भी कार लेनी है सो आप जयपुर के हैं तो आप सोनक टोयोटा विजिट कर सकते हैं और इसके जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कर दूंगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी के इंजन के बारे में बताना चाहूँगा। ये गाड़ी आपको जो फ्यूल टाइप है वो पेट्रोल और सीएनजी दोनों में अवेलेबल है और दोनों में 1.5 लीटर का इंजन आपको मिलने वाला है। सो अगर पेट्रोल की बात करें तो इसका जो 1.5 लीटर है उसकी जो पावर है वो 102 bhp और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करेगी एंड सीएनजी की बात करें तो 86 bhp और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करेगी। सो अब इस गाड़ी के कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में 4 एयरबैग्स दे रखे हैं बिकॉज ये टॉप एंड वेरिएंट है। बाकी जो लोअर ट्रिम वेरिएंट्स हैं उसमें आपको दो एयरबैग्स मिलेंगे। देन ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट सारे फीचर्स दिए गए हैं। सो ये तो रही बात इसके सेफ्टी फीचर्स की, और अगर इसके एक्स शोरूम की बात करें टोयोटा रूमियन के, सो 10.44 लाख से लेके 13.73 लाख तक इसका एक्स शोरूम है। बाकी जो ऑन रोड प्राइसेस हैं वो आपके सिटी और स्टेट के हिसाब से डिपेंड करेगी। सो ये तो रही बात इसके प्राइसिंग और सेफ्टी की। अब चलते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर में और आपको बताते हैं इसका एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। सो सबसे पहले हम इसके हेडलाइट सेटअप की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन प्रोजेक्टर मिलने वाला है एंड ये आपको हाई बीम के लिए दे रखा है। इसके अलावा ये आप देखेंगे ये आपका इंडिकेटर का पोर्शन है एंड आप यहाँ ध्यान से देखेंगे आपको क्रिम जो ग्रिल मिलेगी, यहाँ पे जो ये फिनिशिंग मिल रही है ये आपको सिल्वर में फिनिश दी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हेलोजन प्रोजेक्टर भी मिलने वाले हैं। देन आप यहाँ ध्यान से देखिए आपको टोयोटा की बहुत बड़ी बैजिंग मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हनीकॉम मैश में यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल मिलने वाला है जो कि बहुत अच्छा है। इवन नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पे भी सिल्वर गार्निश दे रखी है जो कि गाड़ी को बेहतरीन एक लुक देने की सोची गई है और जो काफ़ी हद तक कारगर है। अब अगर बात करें इसके कुछ और फीचर्स की तो इसका फ्रंट सेक्शन देख के आपको किस गाड़ी की याद आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं हिंट दे देता हूँ वो टोयोटा की एक गाड़ी है। अभी मैं यहाँ पे आपको इसके वाइपर्स के बारे में बताना चाहूँगा। दो वाइपर्स दे रखे हैं और यहाँ पे आपको दो वॉशर्स दे रखे हैं। इसके अलावा आपको एक एंटीना दे रखा है जो कि एक नॉर्मल एंटीना है, शार्क फिन एंटीना नहीं दे रखा। अब हम आते हैं इसके साइड में और आपको पूरा एक साइड लुक दिखाते हैं कि गाड़ी साइड लुक में कैसी लगती है। सो कुछ इस तरीके से गाड़ी का साइड लुक दिखता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे टायर की तरफ। जो इसके टायर हैं अगर उनके प्रोफाइल की बात करें तो 185/65 R15 15 इंच के ये अलॉयज दे रखे हैं और विद डिस्क ब्रेक। सो यहाँ पे डिस्क ब्रेकिंग दे रखी है फ्रंट में और रेयर में आपको दे रखा है ड्रम ब्रेक। देन बात करें इसके ORVMs की, सो ये बॉडी कलर दे रखे हैं विद इंडिकेटर। देन आप यहाँ बात करेंगे इसके डोर हैंडल्स हैं वो आपको क्रोम में दे रखे हैं बिकॉज ये टॉप एंड वेरियंट है तो ये क्रोम में दे रखा है। उसके अलावा हम अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये 185 mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है जो कि एक MUV के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। देन हम थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ हम देख पाएंगे इसका फ्यूल टैंक। इसका फ्यूल टैंक अगर पेट्रोल की बात करें तो 45 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक दे रखा है। एंड यहाँ पे आपको रूफ देखेंगे तो रूफ काफ़ी बड़ी है बिकॉज ये MUV है तो आपको रूफ काफ़ी बड़ी मिलने वाली है और अंदर आपको हेडरूम काफ़ी बेहतरीन मिलने वाला। तो अब हम चल रहे हैं रेयर तरफ, आपको बताते हैं यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं। सो सबसे पहले आप देखिए कि इसका रेयर लुक कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। पहले मैं बात करूंगा इसके लाइट के LED सेटअप्स की, तो ये रात में बहुत बेहतरीन दिखने वाला है, दोनों तरफ सेम ही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको
रिवर्स का मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का मिल जाएगा। देन आप देखेंगे यहाँ पे आपको टोयोटा की बैजिंग मिलने वाली है, रूमियोन की बैजिंग मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे जो पर्टिकुलर वेरिएंट है वी, उसकी आपको बैजिंग मिलने वाली है। देन बात करें तो यहाँ पे आपको वाइपर मिलने वाला है, डिफॉगर मिलने वाला है, वॉशर मिलने वाला है और एक हाई स्टॉप माउंट लाइट मिलने वाली है। तो ये तो रही लाइट की बात। अब बात करें यहाँ पे आपको एक पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलने वाला है। देन यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स 4 दे रखे हैं, जो कि आपकी गाड़ी जब आप रिवर्स लेंगे तो आपको बखूबी सपोर्ट करने वाले हैं। देन अब इसके टायर की बात करें तो इसका टायर यहाँ पे नीचे दे रखा है, जो कि एक साइज आपको छोटा ही दे रखा है, मतलब R14 का आपको टायर दे रखा है। बात करते हैं अब इसके बूट स्पेस की। मैं एक बार लॉक ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे इसके बूट स्पेस की बात करते हैं तो 7 सीटर होने के बावजूद भी यहाँ पे स्पेस को इतने अच्छे से मैनेजमेंट किया गया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल कार बनाई गई है। यहाँ पे आपको 209 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, आप छोटे मोटे लगेज यहाँ इजीली रख सकते हैं। और अगर आपके 5 लोग ट्रेवल कर रहे हैं या 6 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो ये 50-50 स्प्लिट में दे रखी है सीटें, आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। और अगर आप 2 ही लोग हैं और कैंपिंग करना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि ये 50-50 में स्प्लिट हो जाएगी, थर्ड रो एंड सेकंड रो आपके 60-40 स्प्लिट में दे रखी है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज है। अगर आप इस गाड़ी से कैंपिंग करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि रूमियोन एक 7 सीटर गाड़ी है, एक MUV है। MUV मतलब हो गया मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। सो आपको अगर इसकी थर्ड रो में जाना है तो आप कैसे जाएंगे? सो यहाँ से मैंने गेट खोला और यहाँ से आपको ये सीट पूरी डाउन करनी है। देन आपको इसको थोड़ा सा आगे लेना है एंड यहाँ से रास्ता है तो हम यहाँ से डायरेक्टली थर्ड सीट पे चले गए। मैं उनके थर्ड सीट में बैठा हुआ हूँ, थर्ड रो में बैठा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेग रूम की बात करें तो वो ठीक है, मतलब थोड़ा कंजेस्टेड, लेकिन आप आराम से बैठ सकते हैं। और हेड रूम तो आपको काफ़ी अच्छा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है और बेटर हो सकता था। देन यहाँ पे आपको एक कप होल्डर दे रखा है, चार्जिंग के लिए आपको सॉकेट दे रखा है, तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे बच्चे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर एक ऊंचे मतलब हाइट का मतलब 6 फुट के ऊपर कोई बंदा बैठता है तो हो सकता है उसको दिक्कत हो। लेकिन अगर आप सिटी में ट्रेवल कर रहे हैं तो एडजस्टेबल है, लेकिन अगर लॉन्ग रूट्स में अगर जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। सो ये तो बात थी इसके थर्ड रो की। अब हम चलते हैं सेकेंड रो में और आपको बताते हैं वहाँ क्या फीचर्स है और कम्फर्ट कैसा है। अब बात करते हैं सेकेंड रो की सीट की। तो सीट में आप देखेंगे कि आपको ये फैब्रिक में दे रखा है, आपको 2 हेडरेस्ट दे रखे हैं एंड एक आपको आर्मरेस्ट दे रखा है विदाउट कप होल्डर। और यहाँ के सिटिंग की बात करें तो सिटिंग काफ़ी अच्छी है, आप इसको यहाँ से पकड़ के दोनों सीटों को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप इतना कंफर्ट चाहते हैं या आप पूरा ही इसको पीछे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये आपको कम्फर्ट ही देने वाली है। अब बात करें इसमें आइसोफिक्स भी दे रखा है, 3-पॉइंट सीट बेल्ट भी दे रखा है। एंड मेन जो चीज़ है जो हमें हर वीडियो में हम बताते हैं वो है इसका लेग रूम, जो कि लेग रूम की बात करें तो लेग रूम काफ़ी अच्छा है। हेड रूम की बात करें तो हेड रूम भी बहुत अच्छा है। इवन अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी डिसेंट है। सो ये काफ़ी चीज़ें बेहतरीन बनाई गई है जो टोयोटा ही कर सकता, उसने ये एक प्रैक्टिकल कार बनाई है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ताकि लोग इसका लुत्फ़ उठा सकें। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स की। सो यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए सॉकेट दे रखा है, आप यहाँ पे अपना कुछ भी मोबाइल या कुछ भी चीज़ रखना चाहें वो रख सकते हैं। ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको AC वेंट्स दे रखे हैं और उसका विंड ब्लास्ट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इवन आप देखेंगे तो आपको डोर्स पे पानी बोतल रखने के लिए स्पेस है, पावर विंडो दे रखा है, सिल्वर फिनिश का आपको डोर हैंडल्स दे रखे हैं। सो ये चीज़ें हैं जो एक गाड़ी को बहुत बेहतर बनाती हैं। सो हमारी तरफ से इसकी रेयर सीट के लिए थम्स अप। अब हम चलते हैं फ्रंट सीट में और आपको बताते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आपने ये देखा इसकी रेयर सीट का सेकंड रो का मिरर कितना बड़ा है, मतलब ये आपको काफ़ी एयरी कैबिन मिलने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाला है। सो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, इससे आप लॉक और अनलॉक दोनों कर सकते हैं। सो उसके बाद मैं आपको यहाँ कीज दिखाना चाहूंगा, कुछ इस तरीके से आपको रूमियोन की कीज मिलने वाली है। लॉक अनलॉक बेसिक दे रखा है और कुछ ज्यादा नहीं दे रखा। सो अब हम एंटर होते हैं तो यहाँ देखेंगे आपको पावर विंडोज मिलेंगे, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आप ORVMs यहाँ से सेट कर सकते हैं इजिली, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
डोर आपको डोर हैंडल जो इनसाइड से दे रखा है वो सिल्वर फिनिश में दे रखा है। जो इसकी सीटें हैं वो आप मैनुअली ही एडजस्ट कर पाएंगे हाइट और पीछे का बैक का। देन कुछ बात करें यहाँ फीचर्स की, तो आपको हेडलाइट लेवलर दे रखा है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑफ ऑन का बटन दे रखा है, ऑटो ऑफ का, ऑटो कट का आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दे रखा है। देन आप ध्यान से देखेंगे ये एक ऑटोमेटिक वर्जन है, तो आपको एक तो पैर रेस्ट करने के लिए वहां पे दे रखा है फर्स्ट टाइम, देन यहाँ पे आपको रेस और ब्रेक दे रखा है। सो ये तो रही बात एंट्री होने से पहले, और अब हम अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। अंदर के फीचर्स बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा कि आपकी हाइट कुछ भी हो लेकिन इस गाड़ी में एंटर करना और एग्जिट करना कितना आसान है। सो यहाँ पे अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैं एग्जिट कर रहा हूँ तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। गाड़ी की हाइट काफी अच्छी दी गई है, 185 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वो बेहतरीन है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। इसके स्टीयरिंग व्हील की पहले बात करने वाले हैं, ये लेदराइट स्टीयरिंग व्हील दे रखा है, टोयोटा की यहाँ बैजिंग दे रखी है, यहाँ पे एयर बैग की बैजिंग दे रखी है। एंड सबसे पहले मैं यहाँ जो फीचर्स है वो बात करना चाहूंगा, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड वॉल्यूम एंड मोड्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूट करने का ऑप्शन है, यहाँ कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट और वॉइस माइक यहाँ दे रखा है, तो आप इजीली उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देन अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको स्टेयरिंग व्हील इसका कैसा लगा, बिकॉज इसमें यहाँ ध्यान से देखेंगे ये आपको यहाँ पे वुडन फिनिश दे रखा है जो कि गाड़ी को काफी क्लासी लुक दे रखा है। सो ये काफी अच्छा दे रखा है एंड नीचे से थोड़ा सा फ्लैट बॉटम दे रखा है, सो ये काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा आपको कुछ फीचर्स और बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको वाइपर्स का दे रखा है एंड यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स का दे रखा है। देन एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये एक ऑटोमेटिक वर्जन है, तो इसमें यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स भी दे रखे हैं जो कि काफी अच्छी चीज है, और ये थोड़ा हाई प्राइस गाड़ियों में ही अवेलेबल होती है लेकिन टोयोटा ने ये आपके लिए अपने लोअर वेरियंट्स में भी आपको अवेलेबल कराई है। लोअर वेरियंट्स मीन्स मतलब जो 10 से 15 लाख का ब्रैकेट है उसमें भी। सो ये तो रही बात इसके स्टेयरिंग व्हील की, अब हम चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और अब बताते हैं कैसा है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आप देखेंगे कि आपको लेफ्ट में आरपीएम और राइट तरफ आपको स्पीड का दे रखा है। सो दोनों कॉर्नर्स पे आपको ये एनालॉग दे रखा है और बीच में डिजिटल दे रखा है। सो इट्स अ मिक्सचर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग। सो यहाँ पे आप देखेंगे सेम आपको एक पॉइंटर मिलेगा ब्लैक कलर का, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके जो भी चीजें आप देखना चाहें कि फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, रेंज कितनी है और सारी चीजें आप यहां से इजीली देख सकते हैं। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो इस तरीके से कुछ इसमें फीचर्स मिलने वाला है एंड ये एक तरीके का हाइब्रिड इंजन है, तो आपको एवरेज भी अच्छा देने वाला है, समवेयर अराउंड ये आपको 20, 21, 22 की एवरेज इजीली निकाल देगा हाईवे पे। सो ये तो रही बात इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। अब मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेकर एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी दे रखा है एंड इवन आपको सेट रिसेट कर सकते हैं, इवन कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये इसका म्यूजिक सिस्टम काफी बेहतरीन है, आपको इसमें यहाँ 6 स्पीकर्स मिलने वाले हैं, मतलब 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स जो आपको यहाँ डोर पे दे रखे हैं। एंड इसमें बात करें तो आपको इसमें काफी चीजें आपको अवेलेबल होगी, जैसे आप अपना एवरेज स्पीड देख सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी, एनर्जी फ्लो देख सकते हैं, इसके अलावा डोर अनलॉक, एसी मोड वाइल आइडल स्टॉप, लेन चेंजिंग, विंकर, ये सारी चीजें आप इधर से देख सकते हैं। एंड इवन यहाँ पे व्हीकल अलर्ट्स, वार्निंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो सेटिंग्स में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, सारी बेसिक चीजें मिलेंगे, यूएसबी, ब्लूटूथ, सारी चीजें अवेलेबल है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो हम यही कहेंगे आपसे कि आप एक बार गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम सुनिए और तभी आपको समझ में आएगा कि उसका रियल लाइफ फील कैसा है। सो अब चलते हैं उसके नीचे, यहाँ आपको हैजार्ड मिलेगा एंड उसके बाद एसी की बात करें तो यहाँ पे ऑटो एसी दे रखा है एंड ये रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, मोड्स चेंज कर सकते हैं, एसी ऑन ऑफ का बटन, उसके अलावा ये इनसाइड एयर का आपको केबिन का दे रखा है जो कि काफी बेहतरीन चीज है। एंड यहाँ से आप विंड ब्लास्ट चेंज कर सकते हैं और ये एसी और अपना हीटर का ऑप्शन दे रखा है। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग का सॉकेट मिलेगा, यूएसबी मिलेगा, यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगी कुछ सामान रखने के लिए, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपको कूल्ड क्लब बॉक्स मिलेगा, कूल्ड कप होल्डर मिलेगा, सॉरी। सो यहाँ पे आपको जो भी आप सामान रखेंगे, पानी बोतल रख रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, तो वो इजीली ठंडा हो जाएगा। सो ये काफी अच्छी चीज है, ये फीचर आपको रेयरली गाड़ियों में देखने को मिलता है। एंड यहाँ बात करें तो आपको ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलने वाला है, इवन यहाँ पे आपको शिफ्ट लॉक भी दे रखा है। उसके बाद पीछे आएंगे तो आपको यहाँ हैंड ब्रेक दे रखा है, यहाँ पे आर्मरेस्ट दे रखा है जिसकी स्पेस थोड़ी सी कम है बट हाँ डिसेंट सी है।
एंड यहाँ पे आप कुछ बताइएगा कि आपको फ्रंट का डैशबोर्ड का रिच एंड फील लुक कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब अगर ग्लव बॉक्स की तरफ जाएं तो इसका ग्लव बॉक्स देखेंगे तो डिसेंट सी स्पेस है। ऊपर आप देखेंगे आपको वुडन फिनिश यहाँ पे दे रखी है तो गाड़ी को अच्छा लुक देती है। उसके अलावा यहाँ देखेंगे आपको बॉटल होल्डर दे रखा है, यहाँ पे वुडन मतलब मोबाइल मोबाइल या कोई भी सामान रखने के लिए जगह है। आपका डोर हैंडल यहाँ पे सिल्वर दे रखा है, सो वो काफी अच्छी चीज है। अब थोड़ा सा अगर ऊपर आएंगे तो IRVM की बात करें तो ये आपको मैनुअली यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ देखेंगे आपको डिसेंट सी लाइट दे रखी है। उसके अलावा माइक की बात कर रहा था तो ये माइक दे रखा है, एंड यहाँ पे बात करेंगे तो एक वैनिटी मिरर दे रखा है, एंड इस तरफ आप देखेंगे तो आपको एक टिकट होल्डर दे रखा है। सो ये तो रही बात गाड़ी के इंटीरियर की, डैशबोर्ड की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, म्यूजिक सिस्टम की, AC की और बाकी फीचर्स की। अब चलते हैं हम फ्रंट में और बात करते हैं कुछ गाड़ी के बारे में। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा। ये तो हमने टोयोटा रोमियोन का इनडेप्थ रिव्यू करा जिसमें आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर, रियर सीट, थर्ड रो, सेकेंड रो सारी चीजों के बारे में बताया। अब हम यहाँ पर एक पर्सन को बुलाने वाले हैं जो कि सोनक टोयोटा के सेल्स पर्सन है एंड इज वेरी वेल एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ द कार एंड एवरीथिंग। सो मैं बुलाना चाहूंगा ऋषभ सिंह जी को। हेलो सर। हाँ, सो ऋषभ जी को मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि ये आपको एज अ सेल्स पर्सन और कस्टमर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आपको बताने जा रहे हैं कि ये गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी क्यों हो सकती है। प्लीज सर। एक्चुअली क्या है, इस सेगमेंट में आपको जो है प्राइस रेंज भी आपको काफी वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। आपको सारी चीजें बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आपको सारे फीचर मिल रहे हैं। आपको जो जो फीचर की रिक्वायरमेंट है वो बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, भाई किसी को ज्यादा फीचर नहीं चाहिए, उनको नॉर्मल 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो उसमें आपको बेस मॉडल में जो है अपन को जो फीचर चाहिए, चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, म्यूजिक सिस्टम, वो बेस मॉडल में मिल जाता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे एड ऑन करते जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उस हिसाब से अपने को फीचर मिल जाएंगे सारे। ठीक है, तो ऋषभ जी मेरा एक पूछना था आपसे क्योंकि एक मैं भी एक कस्टमर हूँ, या मतलब मैं उस तरीके से पूछना चाहूंगा कि लोगों का ये रहता है कि गाड़ी की सर्विस कॉस्ट क्या रहेगी, मतलब लोगों को ज्यादातर सर्विस का कंसर्न रहता है। सर्विस कॉस्ट जो टोयोटा की है, जैसे आप 50 लाख की गाड़ी भी देखोगे, आप 4 करोड़ तक की भी गाड़ी देखोगे तो उनकी भी सर्विस कॉस्ट जो है ना वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी आएगी। कोई ज्यादा सर्विस नहीं है, टोयोटा सर्विस के मामले में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसकी जो सर्विस कॉस्टिंग आती है वो अपने 4 से 4.5 हज़ार के बीच में आती है, जो नॉर्मल सर्विस होती है। अच्छा, इतनी इजी है? ऑयल, ऑयल कूलेंट, व्हील बैलेंसिंग, गाड़ी की वॉशिंग, लेबर वगैरह सारी चीजें आ गई। ठीक है, सो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ऋषभ जी ने सही पॉइंट कहा कि गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट है वो 4.5-5 हज़ार में आपकी पूरी हो जाती है, जो कि एक काफी अच्छी चीज है। ये एक MUV है, मतलब कोई छोटी गाड़ी नहीं है, हैचबैक नहीं है कि जिसकी, क्योंकि आज की डेट में हैचबैक गाड़ियां भी देखेंगे तो 7-7, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार की सर्विस आती है, जबकि ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है। और एक चीज मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा टोयोटा की तरफ से कि टोयोटा ने इस गाड़ी पे आपको वारंटी, इंजन वारंटी बहुत अच्छी दे रखी है। तीन साल की बात करें तो 1 लाख किलोमीटर की इंजन वारंटी है, एंड 5 साल की बात करें तो 2,20,000 किलोमीटर की इंजन वारंटी स्टैंडर्ड दे रखी है। और ये चीज आपको इस गाड़ी में तो क्या बाकी किसी ब्रांड की गाड़ियों में नहीं मिलने वाला, वो आपको केवल टोयोटा ही प्रोवाइड कराने वाला है, क्योंकि टोयोटा एक ग्लोबल ब्रांड है। वो अपने इंजन और सारी वारंटी और फीचर्स इस तरीके से बनाता है कि वो हर कैटेगरी के लोगों को अप्रोच कर सके। थैंक्स फॉर ऋषभ सिंह कि हमें इतना अच्छा उन्होंने गाड़ी के बारे में बताया। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपने एक बार कोई टोयोटा की गाड़ी ले ली सो आप टोयोटा के फैन हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको 6 लाख 7 लाख से लेके गाड़ी स्टार्ट होती है और आपकी 4-5 करोड़ तक गाड़ी रहती है। सो आप अपने बजट के हिसाब से, अपने फीचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। मैं अभी करेंटली जयपुर में हूँ सोनक टोयोटा में। सो इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कोई भी गाड़ी यहाँ की परचेज करना चाहें सबसे पहले यहाँ आइए शोरूम में, टेस्ट ड्राइव करिए गाड़ी एंड उस अकॉर्डिंग अपनी नीड पूरी कीजिए। सो आई थिंक इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कार के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन